हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाइए। सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी का बड़ा ही महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है। इस दिन अनंत भगवान की पूजा के पश्चात बांह पर अनंत सूत्र बांधा जाता है। हमने अनंत से जुड़े वीडियो में पूजन विधि और महत्व के बारे में विस्तार से बताया था। आज हम वो कथा सुनाएंगे जो पूजन के पश्चात सुनी जाती है, ताकि अगर आपको कोई योग्य और विद्वान कथावाचक नहीं मिल पाए तो आपका व्रत अधूरा नहीं रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि पूर्व समय में माँ गंगा के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ को आरंभ किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र के सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से शोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ग के तुल्य बड़ी विशाल यज्ञशाला बनवाई और उसके लिए सब राजाओं को अनेक प्रकार से जीत कर ले आए। एक समय गांधारी का लड़का राजा धृतराष्ट्र का पुत्र, जो दुर्योधन के नाम से विख्यात था, वह उस यज्ञशाला में आकर प्रांगण में जल की प्रतिमा देखकर वस्त्र को ऊंचा कर धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि श्रेष्ठ स्त्रियां हंसने लगी और दुर्योधन आगे जाकर जल को भूमि जानकर उसमें गिर गया। यह देख सब राजा लोक तथा तपरूप धन वाले ऋषिगण और द्रौपदी आदि सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां भी हंसने लगी। यह देख महाराजा धीराज दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए उद्यत हुआ। उस समय शकुनी ने अत्यंत मधुर वचन कहा कि हे राजन, आगे बहुत कार्य करना है, इसलिए आप महाक्रोध को त्याग करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला से अपने घर चलने के लिए उठिए। तब ऐसा ही सही यह कहकर राजा दुर्योधन यज्ञशाला से घर आया और सब राजागण भी यज्ञशाला से अपने अपने राज्यों में चले गए। तदनंतर दुर्योधन ने राजाओं के साथ हस्तिनापुर जाकर राजा पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाकर अपने राज्य में प्रसन्न होकर जुआ खेलने लगा। उस जुए में नहीं है छल जिनमें ऐसे पांडवों का संपूर्ण धन और राज्यादि जीत लिए। तदनंतर भ्राताओं के सहित युधिष्ठिर महान विपत्तियों को प्राप्त हो जंगल के बीच वनचर जो भिल्लादिक हैं उनके समान रहने लगे। पांडवों के इस समाचार को सुनकर श्री कृष्ण वहां गए। सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा कि दुख से अत्यंत दुर्बल पांडव लोग वन में रहते थे। महात्मा श्री कृष्ण चंद्र को देखकर क्रम से पूजन आदि और प्रणाम कर राजा युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह दारुण दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख रूपी सागर से हमें कैसा ये छुटकारा मिलेगा सो कहिए। हम कौन से उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमको राज्य मिले? हमारा हित तो आप ही की कृपा से होगा। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत नामक व्रत है, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा सो क्या शेषनाग का अथवा अनंत नाम के नक्षत्र का व्रत है या अनंत पर ब्रह्म का यह व्रत है? हे केशव, यह अनंत किस देवता का नाम है जो सत्य सत्य कहिए? ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है,
इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने देवता हैं और कालादिक जो कहे जाते हैं वह सब हमको ही जानो। और कला काष्ठा मुहूर्त आदि दिन रात्रि तथा यह सब जितने शरीरवान प्राणी हैं तथा पक्ष मास ऋतु वर्ष युग और कालादि की व्यवस्था सब मुझी को जानो। यह जो मैंने कालादि कहा है वह इस अनंत नाम से प्रसिद्ध है। वही मैं भूमि का भार अल्प करने के लिए इस कृष्ण नाम से अवतरित हूँ। दानवों का नाश तथा साधु पुरुषों की रक्षा के निमित्त मुझे वसुदेव के कुल में भी उत्पन्न जानो। आदि अंत्य मध्य जिसका नहीं ऐसे कृष्ण विष्णु शिव वैकुंठ सूर्य चंद्र सर्वत्र व्याप्त ईश्वर मुझको जानो। हे युधिष्ठिर, नहीं है उत्तम जिससे ऐसा विश्वरूप जो योगी लोगों से ध्यान किया गया वह संपूर्ण रूप वाले अनंत हम ही हैं, जिससे 14 इंद्र 8 वसु 12 सूर्य 11 रुद्र 7 ऋषि 7 समुद्र तथा वृक्षादि सहित संपूर्ण पर्वत हम ही को जानो। और 27 नक्षत्र 10 दिशा पृथ्वी 7 पाताल तथा भूर्भुवादिक 7 स्वर्ग यह सब हम ही हैं, इस विषय में कुछ भी संदेह न करो। ऐसा वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे सर्वव्यापी भगवान, अनंत व्रत का महात्म्य तथा विधि कहिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य और क्या फल मिलता है वह भी कहिए। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्युलोक में किसने प्रकाशित किया यह सब विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। युधिष्ठिर का ऐसा वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि सत्य युग में सुमंत नामक एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर दीक्षा नाम की भृगु ऋषि कन्या के साथ वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, दीक्षा नाम की स्त्री से समय पाकर अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। वशीला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसकी पतिव्रता माता कालज्वर के दाह से दुखी हो और नदी के जल में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चली गई। तदनंतर उस सुमंत नामक ब्राह्मण ने धर्म नाम की एक दुशीला नाम की कन्या से विधि विधान पूर्वक विवाह किया। वह स्त्री नाम के ही सदृश दुष्ट स्वभाव कर्कश वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंड थी। वशीला नाम की कन्या पिता के घर गृह कार्य करने में बड़ी चतुर थी। वह आंगन बाहर दरवाजे के ऊपर और देहरी के ऊपर स्वास्तिक शंख कमल के नीले सफेद और काले अनेक प्रकार के चिन्हों को लिखकर देखा करती थी। इसके अनंतर इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कौमारावस्था में प्राप्त वशीला पिता के घर में बड़ी मंगल देने वाली हुई। उसको देखकर पिता सोचने लगा कि हम यह कन्या पृथ्वी में किस गुणवान वर को दें। ऐसा विचार कर वे दुखी हुए। उसी समय उत्तम वेद वेदांग जानने वाले कौंडिन्य नाम के मुनि कन्या के लिए आए। वे बोले कि तुम्हारी गुणयुक्त कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों में इंद्र तुल्य कौंडिन्य मुनि को अपनी कन्या दे दी। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे धर्मराज, सुमंत ने वेद विधि से उसका विवाह कर दिया। उस समय वहां पर स्त्रियां गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे, बंदी जय घोष करने लगे। इस प्रकार विवाह कर सुमंत ब्राह्मण अपनी कर्कशा स्त्री से बोले, दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्यादिक दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध से घर की शोभा बिगाड़ कर संपूर्ण द्रव्यादिक पेटी में अच्छी तरह बंद कर दामाद से बोली कि आप अपने घर जाइए, हमारे घर में कुछ भी द्रव्य नहीं है, यदि विश्वास न हो तो देख लीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे पार्थ, ऐसा सुनकर वे मुनि उदास हुए और वह कन्या भोजन से बचे हुए अन्नादि को मार्ग में खर्च करती गई। कौंडिन्य मुनि भी उस सुमंत की कन्या शीला को बैलगाड़ी पर बैठाकर शनैः शनैः चलने लगे। जाते जाते पुण्यदायक यमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ खड़ा कर शिष्यों को नियुक्त कर वे स्नान संध्या आदि करने लगे। मध्यान्ह के समय रथ से उतर नदी के किनारे उस शीला ने लाल वस्त्र पहने स्त्रियों के झुंड को देखा।
उन स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी के दिन श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते देख उनके पास जा उन स्त्रियों से शीला धीरे से पूछने लगी, तुम लोग यह क्या कर रही हो? इस व्रत का क्या नाम है? ऐसा सुनकर शील ही है श्रृंगार जिसका, ऐसी उस शीला से वे स्त्रियां बोली, यह अनंत का व्रत है, हम अनंत भगवान को ही पूजते हैं। ऐसा सुनकर शीला बोली कि मैं भी यह उत्तम व्रत करूंगी। इस अनंत व्रत की विधि क्या है और यह व्रत किस प्रकार का है? इसमें क्या दान होता है? कौन देवता पूजे जाते हैं? सो मुझसे कहो। ऐसा सुनकर वे स्त्रियां बोली कि हे शीले, उत्तम अन्न की प्रस्थमात्र यानी एक सिर लेकर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को देवें और आधा स्वयं भोजन करें, फिर कृपणता न करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवें और यह व्रत नदी के तीर पर करें और भगवान हरि की कथा सुने। कुशा के शेष नाग को बनाकर बांस के पात्र में रखकर फिर स्नान कराकर मंडप के भीतर भगवान का सविधि पूजन करें और पूजा करते समय चंदन पुष्प धूप दीप अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि मिष्ठान सहित रखें। उनके आगे मजबूत सूत का डोरा केसर रंग का 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधें। प्रथम यह स्मरण रहे कि वे वासुदेव नहीं हैं, अंत जिसका ऐसे संसार रूपी महासागर में डूबे हुए मेरी अच्छी तरह उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा स्मरण कर सूत्र रूपी अनंत भगवान को बाएं हाथ में बांध कर स्वस्थ चित्त हो भोजन करें। संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान तथा भोजन कर अपने घर जाएं। भद्रे, यह बात तुमसे कही। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजेंद्र, प्रसन्न चित्त से ऐसा व्रत विधान सुनकर वह शीला भी सुंदर डोरा को बांध व्रत करने लगी। जैसा 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधना कहा है, वैसा बांध कर वह अपने भोजन का आधा ब्राह्मण को दे अवशिष्ट स्वयं खाकर फिर प्रसन्न हो पति के साथ बैलगाड़ी द्वारा अपने घर को गई। तब से उसका शुभ शकुनों पर विश्वास हो गया। यह अनंत व्रत करने से गोधन और धन धान्य आदि से भरपूर घर हो गया। वह सोने में ग्रथित माणिक्य और मोतियों के हारों से भूषित और अतिथि पूजन में सर्वदा व्याकुल रहती थी। सुख से रहकर वह मणियुक्त करधनी तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत घर में पति के साथ उत्तम वस्त्र पहन सावित्री के समान शोभित होने लगी। किसी समय पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में बधा सुंदर डोरा देखा और शीला से बोला कि हे शीले, डोरा क्या तूने मुझे वश में करने के लिए बांधा है? इसका कारण कहो। ऐसा सुनकर वह शीला बोली कि जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान्य संपदा मनुष्य को मिलती है, वही यह अनंत हमने धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लक्ष्मी के मत से अंधा होकर शीला के ब्राह्मण पति ने शीला के वचन सुनकर उसकी बांह के डोरे को जल्दी से तोड़ दिया और अनंत कौन है ऐसा कहते हुए पाप कर्म करते हुए मूर्ख ने डोरा अग्नि की ज्वाला में डाल दिया। उधर शीला व्याकुल होकर हाहाकार करती हुई दौड़ी, उसने डोरे को लेकर दूध में डाल दिया। इस पाप कर्म से उसकी वह लक्ष्मी नष्ट होने लगी। गौवादी चोर ले गए, घर में आग लग गई, सब धन नष्ट हो गया। जो इस तरह से धन आया था उसी तरह फिर चला गया। इसी तरह कुटुंब में भी कलह होने लगी, भाइयों में लड़ाई होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप से घर में दरिद्रता घुस गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत नहीं करता था। वह शरीर से अति संतप्त हो गया और मन से भी दुखी रहता था। बड़े भारी दुख को पाकर कौंडिन्य मुनि ने अपनी पत्नी शीला से कहा, हे शीले, एकाएक उत्पन्न इस शोक के कारण मैं दुखी हो गया और मेरा संपूर्ण धन नष्ट हो गया। स्वजनों से कलह होती है और मुझसे कोई बात नहीं करता है। शरीर में नित्य ज्वर आदि ताप रहते हैं, चित्त में बड़ा ही खेद होता है। इसका क्या कारण है? तुम जानती हो तो कहो। क्या उपाय है जिससे मेरा भाग्य अच्छा हो? ऐसा सुनकर शील ही है आभूषण जिसका, ऐसे सुंदर स्वभाव वाले शीला पति से बोली कि अनंत फेंकने के पाप कर्म से यह सब हुआ है। ये महाभाग, उसके लिए उपाय करें, तब फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा उसका कहने से वह ब्राह्मण मन से हरि भगवान की शरण में गया। इसके अनंतर वह कौंडिन्य मुनि
खेद को प्राप्त हो वन को गए। वहां वे उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण कर तप करने की इच्छा से उस परमेश्वर का ध्यान करते हुए सोचने लगे कि जिसके प्रसाद से मुझे धनाधिक मिला और उसके अपमान करने से मैं निर्धन होकर कष्ट को प्राप्त हो गया, मुझको अतिशय सुख दुख देने वाला धनाधिक हुआ, ऐसा चिंतन करते हुए गहन वन में घूमने लगे। वहीं पर फला फूला एक आम का वृक्ष देखा। वह ऐसा था कि जिस पर एक भी पक्षी नहीं थे और करोड़ों कीड़े थे। उसने आम के वृक्ष से पूछा कि कहीं अनंत भगवान को देखा हो तो हे सौम्य कहो, मेरे चित्त में अतिशय दुख है। यह सुनकर वह आम का वृक्ष बोला, हे ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। यह सुनकर वह दुखी होकर चल दिया और अनंत भगवान को कहाँ देखेंगे, ऐसा विचार करता हुआ घूमने लगा। इतने में बछड़े सहित गौ को देखा जो वन के मध्य इधर उधर दौड़ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडव, वह ब्राह्मण गौ से बोला, तुमने अनंत भगवान को देखा हो तो बताओ। इसके बाद गौ बोली कि हे कौंडिन्य, मैं अनंत भगवान को नहीं जानती हूँ। उसके बाद आगे जाकर घास पर बैठे हुए वृषभ को देखकर उससे पूछा कि हे गौपति, तुमने अनंत भगवान को देखा है। बैल बोला कि मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। इसके बाद आगे जाकर बड़ी सुंदर दो पुष्करणी यानी नदियों को देखा। उन बावलियों का जल उसमें से इसमें और उसमें से उसमें आता जाता हुआ अनेक प्रकार का कल्लोल करता और कमल कल्हार कुमुदनी आदि के पत्तों से युक्त होकर शोभायमान हो रहा है। भ्रमर हंस चकोर बगुलादि पक्षियों से सेवित उस वापी को देख ब्राह्मण ने उन दोनों पुष्करणियों से पूछा कि तुम लोगों ने अनंत भगवान को कहीं देखा है। यह सुनकर वे दोनों पुष्करणी बोली कि हे द्विज, हमने अनंत भगवान को नहीं देखा। आगे जाकर उसी तरह एक हाथी और एक गर्दब देखा। उन दोनों से भी ब्राह्मण ने पूछा कि क्या आप लोगों ने कहीं अनंत भगवान को देखा है। ऐसा पूछकर ब्राह्मण निराश हो उस जगह बैठ गया। हे राजन, वह कौंडिन्य जीवन से निराश हो बड़ा विकल होता हुआ बहुत गर्म श्वास लेकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर वह ब्राह्मण होश में आकर हे अनंत, ऐसा कहते कहते उठकर चित्त में हाय निश्चय करता हुआ, अब मैं जरूर प्राण त्याग कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, उस ब्राह्मण ने प्राण देने के लिए वृक्ष में फांसी लगा ली। उस समय दयार्द्र हृदय अनंत भगवान भी प्रत्यक्ष हो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर बोले कि यहाँ आओ। यह कहकर उस कौंडिन्य का हाथ पकड़कर गुफा में ले गए। उस गुफा में कौंडिन्य मुनि ने एक नगर देखा जिसमें बड़े ही स्वरूपवान स्त्री पुरुष विद्यमान थे और शुभदायक दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठे थे, जिनके अगल बगल शंख चक्र गदा पद्म और गरुण शोभायमान हो रहे थे। कौस्तुभ मणि धारण किए, वनमाला आदि अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए विश्वरूप अनंत भगवान को उस कौंडिन्य मुनि ने देखा। अतिशय प्रकाशमान स्वरूप वाले भगवान को देखकर उनके आगे ऊंचे स्वर से बोला कि हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर तथा प्रणाम कर बोला कि हे नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, हम पाप रूप पाप कर्म करने वाली, हमारी आत्मा पाप रूप है और हम पाप ही से उत्पन्न हैं, रक्षा करें, आप मेरे संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं। उस मुनि का वचन सुनकर अनंत देव भी बड़े कोमल वचन से बोले कि हे विप्रेंद्र, मन में मत डरो, जो तुम्हारे मन में हो कहो। ऐसा सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले कि हे प्रभु, मैंने धन से उन्मुक्त हो अनंत का डोरा तोड़ दिया, उस पाप कर्म से मेरा धन नष्ट हो गया, घर में अपने कुटुंबियों से कलह होती है जिस कारण मुझसे कोई भी नहीं बोलता, इस तरह दुखी हो आपके दर्शन की इच्छा कर मैं वनों में भटक रहा हूँ। हे देवेंद्र, आपने कृपा कर अपना दर्शन दिया, अब मुझ पर दया करके उस पाप की शांति का उपाय कहिए। श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे युधिष्ठिर, भक्त से प्रसन्न हो देवता क्या नहीं देते। ऐसे उत्तम ब्राह्मण का वचन सुनकर अनंत भगवान कहते हैं कि हे कौंडिन्य, तुम विलंब मत करो, अपने घर जाओ और भक्त से 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो, इससे संपूर्ण पापों से छूटकर पुत्र पौत्र को उत्पन्न कर इच्छित भोगों को भोग उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे, अंत में मेरा स्मरण कर मुझको बिना संदेह प्राप्त कर सकोगे। हम संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए तुमको वरदान देते हैं। यह शिला का अनंत व्रतादिक श्रेष्ठ आख्यान
और कल्याण करने वाला अनंत व्रत जो प्राणी सुनकर किया करेंगे वे शीघ्र पापों से छुटकर परम गति को प्राप्त होंगे। अनंत देव ने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे पास जिस मार्ग से तुम यहाँ आए हो उसी मार्ग से जल्दी घर को जाओ। ऐसा सुनकर कौंडिन्य मुनि बोले, हे स्वामिन, मैं जो पूछता हूँ सो बताइए। जंगल में घूमते घूमते मैंने कुछ कौतुक देखा, हे जगत गुरु वह कहो। वह आम का वृक्ष कौन था, वह गौ कौन थी, वह वृषभ कौन था, और कमल कुमुद कल्हार से सुशोभित परम सुंदर बड़े जंगल में मैंने दो पुष्करणी देखी है सो क्या थी। वह गधा कौन था, वह हाथी कौन था, और उत्तम ब्राह्मण कौन था। आनंद देव बोले कि वह आम वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह जानने वाला ब्राह्मण था। उसने शिष्यों को विद्या नहीं दी इसलिए वह वृक्ष हुआ, और जो गौ देखी थी वह बीज को खाने वाली पृथ्वी रही, और जो घास पर वृषभ देखा था वह सत्यनारायण धर्म था। और धर्म अधर्म आदि जो कुछ भी परस्पर देती और लेती रहती हैं वह वेद पाठ वाले ब्राह्मण को नहीं दिया है, भिक्षुओं को भिक्षा नहीं दी है। उस पाप कर्म से उन दोनों का जल आपस में इधर उधर होता रहता है। गधा जो देखा वह क्रोध था, और वह जो हाथी था सो अभिमान रहा। वह ब्राह्मण जो रहा सो अनंत हम है, और जो गुफा रही वह कठिन संसार था। अनंत देव ऐसा बताकर उसी जगह अंतर्धान हो गए। यह सब स्वप्न के समान देखकर उस जगह से मुनि अपने घर आए, और 14 वर्ष तक अनंत व्रत कर जैसा अनंत देव ने कहा था वह सब सुख भोग कर अंत में वह अनंत देव का स्मरण कर अनंत लोक को चले गए। हे राजर्षि, तुम भी यह कथा सुनो और व्रत करो। जिस प्रकार ब्राह्मण को 14 वर्ष में फल प्राप्त हुआ, तुमको भी उसी तरह अनंत देव की कृपा से सब इच्छित वस्तु एक ही वर्ष में कथा सुनकर व्रत करने से प्राप्त हो जाएगी। हे राजन, तुम व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा जिसको सुन प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और हरि चरणों को प्राप्त होते हैं। हे कुरुकुल में उत्पन्न युधिष्ठिर, जो शुद्ध विचार वाले प्राणी संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा करते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी अनंत देव का पूजन कर डोरे को दाहिने हाथ में बांधते हैं। बोलिए अनंत भगवान की जय।